आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी के लाल टेन के 569वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज तहसील बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं। सर्किट हाउस हमारे ठीक पीछे यहां दिख रहा होगा। ये सर्किट हाउस सिवनी का सर्किट हाउस का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ सर्किट हाउस है और अगर हम इस तरफ आपको लेकर चलें तो इस तरफ हमारे ठीक पीछे कलेक्ट्रेट भवन, जो अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, जो अब नेस्त नाबूद हो रहा है, इस भवन का निर्माण एक बार फिर आरंभ होने वाला है। भवन कैसा बनेगा, सर्किट हाउस का भवन कैसा बनेगा, ये शायद ही किसी को इसकी जानकारी हो, क्योंकि यहाँ पर भवन निर्माण जो हो रहे हैं, भवन निर्माण कौन करा रहा है, एजेंसी कौन सी है और किस तरीके का भवन निर्माण होगा, कहीं कोई आपको सूचना फलक नहीं दिखाई देंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमारे ठीक पीछे। हम फिलहाल तो राजनीतिक तौर पर जो चर्चाएं थी, राजनीतिक तौर की चर्चाएं हम आपके साथ करना चाह रहे थे। पिछली बार हमारे द्वारा आपको बताया गया था सिवनी विधानसभा का पूरा हमने लेखा जोखा बताया। अब हम आपको बरघाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं। बरघाट विधानसभा क्षेत्र आज़ादी के उपरांत 1951 में बरघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 92-92 हुआ करता था और रामाराव उपगादे यहाँ के कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। 1957 में इसका नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 92 से बदलकर 118 हुआ और यहाँ रविंद्रनाथ भार्गव यहाँ के विधायक बने। इसके बाद 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर फिर एक बार बदला और कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर अब 194 हो गया और 1962 में यहाँ पर जागेश्वर बिसेन जो पीएसपी से विधायक चुने गए थे, 1967 में 198 फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला, 198 हो गया और रविंद्रनाथ भार्गव एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस से चुने गए। इसके उपरांत 1972 में इसका 198 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 198 ही रहा और जागेश्वर बिसेन बीजेएस पार्टी से चुने गए थे। 1977 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 212 हुआ और भरत लाल बिसेन यहाँ से विधायक चुने गए कांग्रेस से। 1980 में 212 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बरघाट से महेश प्रसाद मिश्रा कांग्रेस से चुने गए। 1985 में 212 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ही रही और यहाँ से प्रभा भार्गव मंत्री विधायक चुनी गई, जो बाद में मंत्री भी बन गए। सिवनी में 1985 के बाद कांग्रेस जो रसातल में गई है, बड़ी मुश्किल से निकल के बाहर बरघाट में आ पाई है। वैसे देखा जाए तो सिवनी पूरे जिले में शोध का विषय यह है कि 90 के चुनाव के उपरांत जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था सिवनी, वो कांग्रेस का गढ़ सिवनी से गायब हो गया, अचानक ही विलुप्त हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ, शोध करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को इस पर कि आखिर क्या वजह थी, आखिर कौन सा ऐसा कारण था, किस नेता को ये कहा जाए कि असफलता एक के बाद एक मिली जिसके कारण सिवनी में कांग्रेस का उगता हुआ सूरज अस्ताचल की ओर चलने लगा। 1990 में 212 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट नंबर 212 बरघाट यहां से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुने गए। 1990 में पहली बार डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चुने गए। 93 में जब वे दूसरी बार यहां से चुने गए, 1990 में सिवनी विधानसभा में भी कांग्रेस का विधायक नहीं चुना गया और 90 के बाद 2023 तक सिवनी में कांग्रेस के विधायक नहीं चुने गए विधानसभा सिवनी में। विधानसभा बरघाट की अगर बात की जाए तो 1990 में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, 1993 में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, 1993 के बाद 1998 में एक बार फिर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और 2003 में एक बार फिर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहां से चुने गए। उसके उपरांत 1990, 93, 98, 2003 डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चार बार चुने गए। 2008 में
पुनर् आरक्षण और परिसीमन के उपरांत सिवनी में जो परिदृश्य बना, उस परिदृश्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये देखिए आपको यहाँ से अगर आप दिखाएंगे तो ये यहाँ का रेस्ट हाउस आपको दिखाई देगा। और रेस्ट हाउस हम आपको एक बार फिर यहाँ से लेकर चलते हैं, हमारे साथ ही आप चलिए, हम आपको पीछे भी दिखाते हैं। ये पानी की टंकी, सर्किट हाउस वाली पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरे माले पर हम लोग यहाँ पर फिलहाल हैं और ये निर्माणाधीन भवन, ये हमारे ठीक पीछे आप देखिए, ये रेस्ट हाउस, जो सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के बारे में हमने आपको बताया था। रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के जो लोक निर्माण विभाग के सूत्र कहते हैं कि जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के हिसाब से इन दोनों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में कराया गया था। बहरहाल 2008 में इसे आरक्षित किया गया और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर बदल कर 114 कर दिया गया। तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल मस्कोले चुने गए। 2013 में एक बार फिर कमल मस्कोले भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 2018 में बहुत लंबे इंतजार के बाद, प्रभा भार्गव के बाद 1985 के बाद 2018 में अर्जुन सिंह काकोड़िया यहाँ से कांग्रेस के विधायक बने। ये अभी तक का लेखा जोखा हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको केवलारी और लखना दोन दो विधानसभा क्षेत्र और बचे हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, और इन दो विधानसभा क्षेत्रों के बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, इसकी विश्लेषणात्मक चर्चाएँ कांग्रेस और भाजपा के जो भी नेता विधानसभा के उम्मीदवार होंगे या फिर जो भी नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे और जो कैमरे के सामने आकर बात करने की स्थिति में होंगे, उनसे हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पर हम आपको अभी जो बताने जा रहे हैं वो जो हमने जानकारी दी, कांग्रेस दो बार, फिर PSP, फिर कांग्रेस, फिर BJS, फिर कांग्रेस यहाँ पर लगातार ही बरघाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती रही है। उसके बाद 6 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, जिसमें से 4 बार डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो वर्तमान में सांसद हैं, 2 बार वे चुनाव केवलारी से लड़े, इसके बाद केवलारी से लड़े, एक बार हरबंस सिंह ने उन्हें पराजित किया और दूसरी बार शिकस्त उन्हें दी, हरबंस सिंह के पुत्र रजनीश सिंह के द्वारा उन्हें शिकस्त दी गई। केवलारी में क्या सिनेरियो बना ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बरघाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया वहाँ विधायक हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि जो जिला सिवनी जिला कांग्रेस का अवैध गढ़ हुआ करता था, जिस गढ़ को कोई अभी तक सेंध नहीं लगा पाया, उस गढ़ में लंबे समय तक सिर्फ केवलारी विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस का परचम क्यों लहराता रहा, एक बड़ा प्रश्न अभी तक निकल कर सालों से ये आया है कि 1990 के बाद जब चुनाव हुए 1993 के से लगातार ही सिर्फ और सिर्फ केवलारी विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस का परचम लहराता रहा है, शेष बरघाट सिवनी लखनादौन यहाँ कांग्रेस लगभग विलुप्त जैसी ही रही है। सिवनी के कांग्रेस के नेताओं को विचार करना चाहिए, हमसे आपसे अगर वे चर्चा ना करें तो ना करें, कम से कम पार्टी फोरम पे, पार्टी मंच पे इसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिवनी के युवा के भविष्य की है। सिवनी के युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है इसकी बात है, सिवनी में किस तरीके की सियासत चल रही है इसकी बात है। आप अगर देखें तो सिवनी के जो प्रकोष्ठ, कांग्रेस भाजपा सियासी दलों के प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, वे नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वे शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगाते हैं, वे कमलनाथ के ऊपर आरोप लगाते हैं, वे राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो भी प्रवक्ता उनके इन वक्तव्यों को जारी करता है, वो क्या इस बात से सहमत है कि उनका कद, उन नेताओं का कद नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष है? नहीं। सिवनी में 4 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, सांसद, स्थानीय सांसद और विधायकों की जवाबदेही क्या नगण्य है, जो उनकी उनकी जवाबदेही तय करने में सियासी दल के स्थानीय स्तर के नुमाइंदे गुरेज करते हैं?
या जैसा लोगों के बीच में चर्चा चलती है हम नहीं कहते हैं, मिली जुली नूरा कुश्ती है। उदाहरण के लिए दिनेश राय के द्वारा जब वे निर्दलीय जीते थे, उनके द्वारा पराजित किया गया था नरेश दिवाकर, राजकुमार खुराना, दोनों को। राजकुमार खुराना और नरेश दिवाकर, आखिर क्या वजह है कि दिनेश राय को की नीतियों को, अगर नीतियां गलत हैं तो, अगर आप उनके खिलाफ कोई बात नहीं कह रहे हैं, मतलब ये साफ माना जा सकता है कि आप उनकी नीतियों से, रीतियों से, उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। उसके बाद जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में दिनेश राय के द्वारा पराजित किया गया मोहन सिंह चंदेल को, तो मोहन सिंह चंदेल दिनेश राय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। इससे यही माना जाएगा, खिलाफ का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दिनेश राय के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, मोहन चंदेल उससे सहमत होंगे, तभी वे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहते। सिवनी की बात, चाहे वे पराजित उम्मीदवार राजकुमार खुराना रहे हों, नरेश दिवाकर रहे हों, या मोहन सिंह चंदेल रहे हों, अगर वे कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात जो स्थानीय विधायक हैं वे ही मुख्यमंत्री तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने में सक्षम है। इसी तरह अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जो विपक्ष में अगर देखा जाए तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ जिनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था, इसके पहले जिनके द्वारा बोध सिंह भगत के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था, वे सारे लोग तो गायब हैं परिदृश्य से। तो क्या लोगों का कहना यही है कि क्या हम आपको जिताएंगे तभी सुध ली जाएगी? अगर चार वोट भी राजकुमार खुराना, नरेश दिवाकर, मोहन सिंह चंदेल, हिना कांवरे या मधु भगत, किसी को भी, जिस किसी को भी मिले हैं, माफ़ कीजिएगा, मधु भगत नहीं, वो कांग्रेस के विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उन्हें चार वोट भी मिले हैं, तो उनका ये नैतिक दायित्व है कि वे उस चार वोट के, उस जनादेश के, उन लोगों के भरोसे की चिंता करें। अन्यथा जिस तरीके की स्थिति सिवनी में बनती जा रही है, ये तहसील बिल्डिंग बन रही है, वो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बन रही है, किसी को नहीं पता नक्शा कैसा है, नक्शा कैसा बनेगा, किसके लिए बन रहा है, सिवनी वालों के लिए बन रहा है, पर सिवनी वालों को कुछ पता नहीं है। जिसका जो मन आता है वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। कितना बेहतर होता कि यहाँ से पूरा ऐसा यू शेप में बिल्डिंग बनाई जाती, ऑफिसर्स क्लब को भी उसमें शामिल कर लिया जाता, ऑफिसर्स क्लब को भी तोड़ दिया जाता, यहाँ पर एक छत के नीचे सारे कार्यालय ले आए जाते, फॉरेस्ट का जो कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर CCF ऑफिस है, उसे भी यहीं ले आया जाता, DFO भी यहीं बैठते, एक एक विंग सबको अलॉट कर दी जाती, PHE के कार्यालय भी यहीं ले आया जाता, PWD का कार्यालय भी, एक छत के नीचे सारे कार्यालय हो जाते, जिला पंचायत भी रही यहीं रहती, RES भी यहीं रहती। पर सवाल यही है कि जब इसका जब नक्शा बन रहा था, प्रपोजल बन रहा था, तो ये जवाबदेही चुने हुए सांसद और विधायकों की थी। चुने हुए सांसद और विधायक अगर इस बात को कहते कि यू शेप में बढ़िया एक यहाँ से लेकर SEPW ऑफिस से लेकर कोर्ट बिल्डिंग को पूरा नेस्त नबूद करते हुए यहाँ से जो फॉरेस्ट का ऑफिस अम्बेडकर पुतले के पास है, वहाँ से लेकर पूरा एक यू शेप का ऑफिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, बहुत बेहतरीन ऑफिस कॉम्प्लेक्स यहाँ होता है, उस बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, फिर किसी एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपसे बात कर रहे थे सिवनी के बाद बरघाट विधानसभा क्षेत्र की, अब दो विधानसभा क्षेत्र में आगे हम आपसे बात करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक्साइंग न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 569वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक्साइंग न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 570वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।